गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंचुला, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज। आप अपने स्किन के मतलब कि फेस के या हैंड के कहीं के भी हेयर को नेचुरली कैसे रिमूव कर सकते हो, और हेयर रिमूव करने के तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन कोई जो है वो सूट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो है वो 100% नेचुरल है और रेगुलर बेस पे अगर आप यूज करोगे तो स्किन पे ग्लो भी आएगा साथ में, और आपके जो अनवांटेड हेयर्स है, अनचाहे हेयर है लाइक कि अपर लिप्स के हो गए, यहाँ के हो गए, वो इजिली रिमूव हो जाएंगे परमानेंटली और फिर वापस भी नहीं आएंगे। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, हैंड पे भी, लेग पे भी, कहीं पे भी, आपका जहाँ पे हेयर ग्रोथ ज्यादा है वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो ये वाली जो रेमेडीज है वो बहुत ही इफेक्टिव है और सालों से यूज होती आई है। तो चलो देख लेते इसको कैसे बनाना है और कैसे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे लेगी हम बेसन। बेसन की जगह पे आप मसूर दाल जो आती है वो भी क्रश करके ले सकते हो, आपको जो भी सूट करता है वो ले सकते हो। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता है तो आप मसूर दाल ले सकते हो, लेकिन बेसन सबसे बेस्ट होता है स्किन के लिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसके अंदर हम 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी डालेंगे, और हल्दी भी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसके अंदर एंटीसेप्टिक्स होते हैं, तो अगर आपकी स्किन में एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है या स्किन में कोई भी इन्फेक्शन है तो ये हल्दी जो है वो दूर करती है। और उसके बाद हम डालेंगे मिल्क। कच्चा दूध लेना है, बॉईल किया हुआ नहीं लेना है। कच्चे दूध के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्किन के लिए, तो जब भी आप मिल्क कभी भी DIY के लिए यूज़ करते हो तो बन मतलब कि हो सके तो आप कच्चा दूध ही लीजिए। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए, पूरा एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाना चाहिए ताकि हम अच्छे से इजीली अप्लाई कर पाए। और सेकंड थिंग कि इसके अंदर आप मलाई भी डाल सकते हो, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो आप मलाई डाल सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप कीजिए अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, कहीं भी लम्स वगैरह रहने नहीं चाहिए। फिर ये जो हमारी पेस्ट है वो बन के रेडी हो गई है, तो इसको आपको अप्लाई करना है। आप जब भी अप्लाई करते हो तब आपकी स्किन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, यानी कि धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, पसीना नहीं होना चाहिए, या कोई क्रीम वगैरह आपने अप्लाई की नहीं होनी चाहिए। तो आपका फिर सबसे पहले वॉश कर लीजिए, उसके बाद आपके फेस पे जहाँ पे भी आपके अनवांटेड हेयर्स वगैरह है आप वहाँ पे ऐसे अप्लाई कर लीजिए। हाथ की मदद से भी कर सकते हो या ब्रश की मदद से भी आप कर सकते हो, आपको अप्लाई कर लेना है। आप चीक पे भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे चीन पे भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो ड्राई हो गए, आपको 10-15 मिनट तक छोड़ देना है तो वो ड्राई हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गए यानी कि 70-80% ड्राई हो जाने के बाद आपको जो है वो इस तरह से करना है जैसा मैं कर रही हूँ, वैसे ही हल्के हाथों से जैसे हम रब करते हैं या मसाज करते हैं वैसे करना है, और ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ नहीं करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। बिकॉज कि हमारे हेयर का ग्रोथ होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो उससे उल्टी जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसमें आपको करना है। तो आपको ऊपर की तरफ ऐसे रब करना है, रोज़ वीक में रोज़ आप ऐसा कर सकते हो, और रोज़ नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है तो 3-4 दिन वीक में आप ऐसा कर सकते हो। धीरे 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 करके आपको ऐसे रब करते जाना है, मसाज करना है, और बहुत ही हल्के हाथों से करना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव होगी तो रेड हो जाएगी, तो आपको बहुत ही धीरे धीरे ऐसे करते जाना है, 2-5 मिनट तक आपको ऐसे करना है। और उसके बाद जो है वो आपको अपना फेस जो है नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, और चीक के जहाँ पे भी हेयर है वहाँ पे भी, ईयर्स के आसपास के वहाँ पे भी आपको ऐसे ही करते जाना है। और इसको हर कोई यूज़ कर सकता है और हर कोई एज की इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कि ये टोटली नेचुरल है तो इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो है मैंने अपना फेस जो है वो वॉश कर लिया है थोड़ा सा रब करके मसाज करने के बाद, और मेरी स्किन सेंसिटिव है तो आप देख सकते हो कि थोड़ी रेडनेस आ गई है दोनों साइड, लेकिन फिर वो 5-7 मिनट के अंदर चली जाएंगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही हल्के हाथों से करना है रब, और रेगुलर वेज पे करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ये जो है इसको हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई एज के यूज कर सकते हैं, इवन छोटे बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने से आपके जो हेयर है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, हेयर का जो ग्रोथ है वो, और परमानेंटली जो हेयर है वो चले जाएंगे, फिर बाद में आएंगे नहीं, और इसके साथ आपकी स्किन में भी ग्लो आएगा। तो ये 2-in-1 का काम करेगा। तो आई होप कि ये वाली रेमेडी हेल्पफुल लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।